हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो मैं और पापा गए थे भोलपुर शांति निकेतन काला भवन। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, वहाँ से फ़ोन आया था और ईमेल भी आया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने एग्ज़ाम दिया था CUCT के तरफ से। तो फिर पेंटिंग के लेकर और स्कल्पचर को लेकर, तो मैंने दो ही फॉर्म भरा था, स्कल्पचर और पेंटिंग। तो मैंने वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं बहुत खुश थी। तो हम लोग बोले कि हम लोग आ गए काला भवन। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। एक खुला हुआ था दरवाजा, तो बोले भाई अंदर क्या है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है ना, आपका स्कल्पचर डिपार्टमेंट है, मतलब ये MFA वाले लोग का है। तो इन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है, इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ किया हुआ है जो इन लोग को मिला था टास्क। तो ये लोग हॉलीडे है, तो उस दिन भी ये लोग का जो होता है हॉस्टल पास में है, तो आके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि टीचर लोग दे यहाँ पे ना पेंटिंग किया जाता है, मेकिंग प्रिंटिंग ऐसे कुछ करके नाम था, जहाँ प्रिंट किया जाता है सामानों को। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये मैंने देखा यहाँ पे, ये मशीन है बहुत सारे। उधर लड़की लोग काम कर रही थी, जो जो भाई है वो अपना प्रोजेक्ट और अपना टास्क पूरा कर रहा है। ये बहुत शानदार लग रहा था। ये भी प्रिंट किया गया है, यहाँ पे रखा है, सबका अपना अपना सेल लगा हुआ है। तो अंदर ना भर के रखते हैं। ये साउथ इंडियन लड़की थी, मैंने इसे पूछा तो ये बोली मुझे समझ नहीं आ रहा हिंदी, आपका भाषा इंग्लिश में बोली। अब मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, तो फिर मैंने ज़्यादा बात करना सही नहीं समझा। तो फिर उसके बाद वो लोग अपना जो सामान था, जो भी बनाया हुआ था, वो सब अंदर पैक कर रहे थे। और ये ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप लोग को पता होगा, जो भी इसकी पढ़ाई कर रहे होगे या ट्यूशन वगैरह ले रहे होंगे ना, सबको सब कुछ पता हो। मैंने पहली बार गई थी, तो मैंने पहले ये देखो बहुत खूबसूरत है, मैंने यानी कि अंदर ही कैंपस के अंदर देखा, सब दिए लगे हुए थे, इतनी ऐसे लटकाए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, पेड़ के ऊपर बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर हमने वहाँ से ये हो गया सेंडमिक वाला डिपार्टमेंट, मतलब अंदर जाने के बाद एक और मिला। उसमें आपको स्कल्पचर में भी बहुत सारे अलग 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 होते हैं, सिर्फ एक ही नहीं होते हैं स्कल्पचर में, उसमें भी बहुत कुछ होते हैं, अलग अलग वरायटी होते हैं। आपको उतना आइडिया, मेरे को खुद आइडिया नहीं था, मैंने तो बस फॉर्म भर दिया था, आ गया वो तो बाई चांस। ये अलग है, इसमें सेंडविक है, अब बहुत तरह का। एक होता है कि आपको 3D इफेक्ट करके, यानी मैं 3D टाइप का सब साइड से घुमा कर देखते हो, तो आपको पता चलता है कि आप स्टैचू बनाए हो। अब कुछ होता है जो बनाया जाता है, किसी बोर्ड पे बनाया जाता है, किसी चीज़ पे बनाया जाता है, तो सिरेमिक बोला जाता है, मेरे को इतना ही आइडिया है। फिर उसके बाद अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो वहाँ का सारा कुछ मुझे पता रहेगा, मैं सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये लड़की है यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी, अभी बहुत शानदार शानदार है। हाँ, बोल रही थी कि अभी बहुत सारा सामान बिक रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए क्योंकि हॉलीडे चल रहा है, कुछ दिनों से चल रहा था वहाँ पे। इस लड़की से बात करने के बाद पता चला, तो इसने पूछा कि आपने किस चीज़ में फॉर्म भरा। तो मैंने बताया कि मैंने स्कल्पचर भरा, तो बोले किस चीज़ में, यानी स्कल्पचर में तो भर दिया, आपने और किस में भरा है। लेकिन मेरे को, मैं तो उतना समझ नहीं पाई, अगर पढ़ती तो मेरे को पता रहता उतना। मैंने ट्यूशन वगैरह नहीं लिया था, मैंने अपने से एग्ज़ाम दिया था, अपने से सारा किया था। मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम भी रहेगा, क्योंकि उस आई थिंक थर्सडे को मेरा एग्ज़ाम है, उसी दिन का मैं बनाऊंगी ब्लॉग भी, उस दिन जब दोबारा आऊंगी यहाँ पे कोलकाता। हम लोग यहाँ से निकले, फिर यहाँ पे से जा रहे थे, पापा को पत्ता पसंद आया था, उसको तोड़ लिए थे, वो लेके चले गए पूरा रास्ता। ये बॉयज़ हॉस्टल इस साइड है, हम लोग को नहीं पता था इधर बॉयज़ हॉस्टल है। तो वहाँ पे गए तो एक भैया बोले कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब बॉयज़ हॉस्टल है। तो फिर यहाँ से हम लोग निकल आए। वो ब्लैक वाला जो घर आपको दिख रहा है, उसमें संगीत सिखाया जाता है, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, वो मिट्टी से बनाया गया था, बहुत खूबसूरत है, गांधी जी का स्टैचू। इधर ही मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, उधर ही स्कल्पचर पेंटिंग और सिनेमिक और मेकिंग प्रिंटिंग सब कुछ इधर होता है, सारी चीज़ इधर होते हैं, बहुत खूबसूरत है। मेरा गला थोड़ा बैठ गया है सर्दी की वजह से। हम लोग को भूख लगी थी, हम लोग खोज रहे थे कि कहीं खाने पीने की जगह हो तो चले। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे कैंटीन भी है, तो सब कुछ बंद हो रखा है, कुछ मिलता नहीं है। कहीं आपको यहाँ पे दुकान नहीं दिखेगा, ठीक है, मार्केट बाहर है, एक तो छोटा कैंटीन है यहाँ पे, देखिए हम लोग कैंटीन जा रहे हैं यहाँ पे। ये है आपके कॉलेज की तरफ से कैंटीन है, यहाँ पे खाना एकदम वाहियात था, सही बोलूँ तो बहुत वाहियात था खाना, मैं नहीं तारीफ कर सकती। भूख लगा था तो खाना ही पड़ा, पूरी था और छोले भटूरे मांगे थे, ठीक है, छोले के नाम पे इन्होंने क्या दिया, आलू दिया, बहुत ही बेकार। हाँ, आप लोग को बुरा लग सकता है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा ही था, सबके प्राइस हाई लेवल पे थे, लेकिन खाना कुछ लायक का नहीं था, नमक भी फीके थे उसमें, कुछ ऐसे स्वाद ही नहीं आ रहा था, बस आप खा रहे हो कि आपको भूख लगा तो आप खा रहे हो, ऐसा सिस्टम था।
तो हम लोग वहाँ पे गए, हम लोग वहाँ पे देखे मेन्यू कि कैसे कैसे है। अब मेरा नेक्स्ट डे ये था, फास्टिंग था, तो मुझे लहसुन प्याज तो ऐसे भी नहीं खाना था। तो यहाँ पे बंगाल में आप अगर हो ना तो आपको मछली जरूर मिलेगा, हर खाने के साथ मिलेगा, और लहसुन प्याज तो उसमें सब में रहेगा। तो आप यहाँ पे सब में ऐसे ही करके यहाँ पे रखा था, मछली रखा हुआ था, तो मुझे नहीं खाने थे, तो मैंने बोला कि मुझे अलग से आप दे सकते हो। तो वही बैठ के वेट कर रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने छोले बनाए हुए थे, दाल थोड़ा सा डाला था, बाकी सब आलू थे उसमें, और उसमें पूरी दिए, चार पूरी दिए, वो भी 80 रुपये के, 80 रुपये प्लेट है, बहुत महंगा था। भूख बहुत जोर से लगी थी, हम लोग कुछ खा के नहीं गए थे सुबह को, सॉरी 3 बजे सुबह हम लोग निकल गए थे वहाँ के लिए। तो वही धनबाद से हम लोग घूम लिए शांति निकेतन, अब जा रहे हैं घर। हमने देख लिया म्यूजियम आज खुला नहीं है क्योंकि वो बंद है, यहाँ पे सब हैंडमेड मिलता है सजाने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं घर के तरफ, मतलब स्टेशन की तरफ, अभी हम लोग कैंपस में ही हैं। हम लोग बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत ज़्यादा बड़ा। क्या पापा? और फिर वहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट दिख रहा है, ये तो हो गया स्कल्पचर डिपार्टमेंट जिसमें हम लोग गए थे, ये बाहर से व्यू है। और ये रहा कुछ और डिपार्टमेंट्स, अब पता नहीं वो क्या है। जो कि ये बंद है अभी, चलिए बंद है सब। ये डांस क्लास का है डिपार्टमेंट, और हम लोग अब जा रहे हैं घर की तरफ, झारखंड जाएंगे, अब घूम लिए बंगाल। हमको घुमा रहे हैं पापा बाहर ही, हम लोग कैंपस से बाहर होकर रास्ता घूम रहे हैं। बहुत गर्मी हो रही थी, फिर उसके बाद यहाँ पे ना मैंने देखा कि यहाँ पे सब साइकिल चला रहते हैं, जो कि बहुत कम अब चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कोई साइकिल चलाते, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सब स्टूडेंट साइकिल ही चलाते हैं, यहाँ पे हैंडमेड शांति निकेतन एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, बस यहाँ पे सब घूमने आते हैं दूर दूर से देखने के लिए, जिनको नहीं पता रहता है कि किस दिन बंद रहता है। यहाँ पे भी डे फिक्स है कि इस दिन बंद रहेगा, इस दिन बंद रहेगा, हम लोग को नहीं पता था। तो हम लोग म्यूजियम देख ही नहीं पे, क्योंकि म्यूजियम में सारे रविन्द्रनाथ जी के सारे सब कुछ उसमें रखे हुए हैं, हम लोग वो देख ही नहीं पाए। ये जितना कैंपस आप देख रहे हो ना, इस सब कैंपस के अंदर था। यहाँ पे आज भी बैठा के पढ़ाया जाता है नीचे, जो कि विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। फिर हम लोग भोलपुर निकल गए, मतलब टिकट के लिए, टिकट काउंटर पर गए टिकट लेने के लिए। यहाँ से हम लोग ले लिए वर्धमान का टिकट, वहाँ से जाने के बाद हम लोग चले गए आसनसोल, फिर वहाँ से हम लोग टिकट लिए धनबाद के लिए। चल रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं झारखंड, मतलब धनबाद जा रहे हैं घर की तरफ, निकल रहे हैं यहाँ से, निकल गए भोलपुर से निकल गए हैं, अब जाएंगे डायरेक्ट वर्धमान, वहाँ से फिर से दुर्गापुर। हम लोग तो ऐसे ही रूट करके आए, दुर्गापुर से भोलपुर, अमिंदवर, वर्धमान, फिर उसके बाद यहाँ पे भोलपुर। लोगों को कम से कम 3 ट्रेन चेंज करना पड़ा, अब यहाँ से जा रहे हैं वर्धमान, वहाँ से देखते हैं, फिर से आसनसोल जाना पड़ता है कि घर, देखते हैं।